जीवित दफन कर दो उसे। हमसे शत्रुता निकालने के लिए झांसी के भविष्य की हत्या करने निकली थी, दफन कर दो उसे। नहीं, नहीं देवर, सुधा। महाराज, ताई ने झांसी के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उन्होंने युवराज के प्राणों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वासुदेव, आनंद भी हमारा पुत्र है। हमने ईश्वर से एक पुत्र की प्राप्ति मांगी थी और ईश्वर की कृपा से हमें दो पुत्र का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब हमारा एक नहीं, हमारे दो पुत्र है। झांसी बहुत भाग्यशाली है महाराज। देवा, हमारे बच्चों को किसी की बुरी नजर नहीं लगी। दामोदर, तुम नहीं जानते आनंद ने आज क्या खोया है। हम तेरे साथ सदैव रहेंगे। लक्ष्मी बाई तेरी हर इच्छा को पूरा करेगी। आज से हम ही तुम्हारी माँ हैं। तुम दोनों ही हमारे अनमोल रतन हो। बाबा, वसुधा ताई ने आज दामोदर के लिए अपने प्राण न्योछावर करके तो हमें अपना ऋणी ही बना लिया। हम नहीं जानते बाबा, हम उनका ये उपकार कैसे चुकाएंगे।
झांसी के उत्तराधिकारी को बचाने के लिए उन्होंने अपने ही प्राण त्याग दिए, परंतु हम आनंद को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे, उसे बहुत प्यार करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अपने पुत्र समान उसे। मनु बेटे, भगवान ने तेरे आंचल में इतना मातृत्व भर दिया है कि दुनिया के सारे बच्चे भी उसमें समा जाएं, तो तेरे स्नेह की कभी कमी नहीं पड़ेगी। आओ चले, युवराज के कर्णवेद संस्कार के पश्चात प्रजा उनके दर्शन की अभिलाषी है। हर हर महादेव। क्षमा मान्यवर, महाराज का आदेश है, सभा में प्रवेश करने से पूर्व सुरक्षा के दृष्टि से सभी की जांच की जाए। महाराज और महारानी की जय हो। ये हमारे गुरु सुदर्शन जी हैं। इन्होंने वर्षों हिमालय की कंदराओं में कठोर साधना की है। युवराज के जन्म होने के पश्चात इन्हें ज्ञात हुआ कि युवराज की कुंडली में महादोष है। तभी से इन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। प्रणाम महाराज। तो आप हमारे युवराज के लिए क्या करेंगे? महारानी, ये तो सभी को ज्ञात है कि युवराज की कुंडली में काल सर्प का महादोष है, और आने वाले कुछ पल युवराज पर भारी पड़ सकते हैं। महारानी, उसी के निवारण हेतु ये हिमालय की कंदराओं से कुछ लेकर आए हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु सर्प शैया से सुरक्षित है, उसी प्रकार ये युवराज की सुरक्षा करेगा, और इसे युवराज के पालने के समीप रखे काल सर्प दोष का अवश्य निवारण हो जाएगा। सुंदर, उसे हमारे कक्ष में दामोदर के पालने के पास रखने की व्यवस्था करो।
ये लीजिए देवी। प्रकार भगवान विष्णु सर्प शय्या से सुरक्षित है, उसी प्रकार ये युवराज की सुरक्षा करेगा। जाओ सुंदर। ये लीजिए देवी। झांसी की मौत उसकी नसीब है। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं। It's no sin. मैं तो नसीब की मदद कर रहा हूं। बस बस आनंद बेटा, रोते नहीं। हम जानते हैं आपको अपनी माँ की याद आ रही है ना। इधर इधर देखिए, इधर देखिए, आज से हम ही आपकी माँ है। अच्छा अच्छा देखिए, देख वो देखिए चंदा मामा, देखिए देखिए वो आपको ही देख रहे हैं। देखिए ना, रोइए मत। ओ ओ मत रोइए आनंद बेटा। बस बस बेटा, चुप चुप चुप। पता नहीं इतनी रात को कौन बीन बजा रहा है। क्या बात है लक्ष्मी? पता नहीं महाराज, इतनी रात को कौन बीन बजा रहा है। इसी बीन की आवाज से आनंद भी जग गया। देखिए ना कितना रो रहा है। कौन है जो इतनी रात को बीन बजा रहा है? अरे देखो इतने रात को बीन कौन बजा रहा है, और उसने कहा कि स्पीकर बंद करे।
कौन मूर्ख है जो इतने रात को बीन बचा रहा है? ये देखिए 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 देखिए, अरे रो अरे नहीं Ha 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 ha.